टीकमगढ़ में अभिनंदन एवं पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य पंडित दुर्गाचरण शुक्ल की 6 पुस्तकों का विमोचन किया गया। एक तरफ जहां युवा पीढ़ी किताबों की दुनिया से दूर भागती जा रही है, वहीं टीकमगढ़ में पुस्तक विमोचन समारोह में 93 वर्षीय आचार्य पंडित दुर्गाचरण शुक्ल की 6 पुस्तकों का विमोचन किया गया। समाज से जुड़ी और समाज के हर पहलुओं को दर्शाती ये पुस्तकें एक नया संदेश दे रही हैं। इस मौके पर शिव शक्ति गुरु अर्जन समिति के अध्यक्ष पंडित अवनीश शुक्ला ने बताया कि आज के समय में जिस तरह आचार्य जी ने इस उम्र में किताबें लिखी हैं, इससे समाज में एक नया संदेश जाता है। हमें उनके अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आचार्य जी का सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार, लेखक और समाज सेवी मौजूद रहे। परम आदरणीय गुरुदेव आचार्य श्री दुर्गाचरण शुक्ल जी का अभिनंदन किया जा रहा है। ये इनने जो पिछले कई दशकों से समाज में आगम और निगम साधना पक्ष में जो चेतना जागृत की है, लोगों को शुद्ध और शक्तिशाली रहने के लिए शिक्षा दी है, उसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।